स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का सप्लीमेंट्री लेटर का फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा। इसका नाम है गांधी जी एंड ए काफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी और एक काफ़ी पीने वाला, और इसके राइटर हैं जी रामचंद्र। स्टूडेंट्स, वीडियो में आने से पहले मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना भी ना भूलें, और आप क्या कुछ वीडियो में चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमार लोगों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे। प्रथम श्रेणी के नर्स से मतलब है एक बेहतरीन नर्स थे, अच्छे नर्स थे। वेयर ही पिक अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री। उन्होंने नर्सिंग कहाँ से सीखा, यह एक रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। यह तो निश्चित है कि उन्होंने किसी नर्सिंग स्कूल से नर्सिंग की पढ़ाई नहीं की थी। एज इन मैनी अदर थिंग्स, when nursing became necessary to him in life, he learned it through the hard way of experience. दूसरी ही चीज़ों की तरह जब नर्सिंग को सीखना गांधी जी के जीवन की आवश्यकता बन गई, तो उन्होंने नर्सिंग को अनुभव, जो कि कठिन तरीका होता है कोई चीज़ सीखने का, तो अनुभव के कठिन तरीके से नर्सिंग को सीखा। मतलब जो लोग नर्सिंग करते थे उनके साथ रहे, उनको फॉलो किए, उनका हाथ बटाए और नर्सिंग सीखे। और इस तरह से गांधी जी ने बहुत सी चीज़ें सीखी थी जब जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी। इन द आश्रम एट साबरमती ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। साबरमती आश्रम में सभी बीमार लोग सीधे सीधे गांधी जी की देखरेख में होते थे। मतलब गांधी जी बीमार लोगों की देखभाल स्वयं ही करते थे। डॉक्टर्स वेयर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन। डॉक्टर लोगों से भी संपर्क रखा जाता था, आश्रम में डॉक्टर भी थे, लेकिन मरीजों की देखभाल गांधी जी स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से किया करते थे। इट वॉज ए जोक स्पेशली एमोंग पीपल इन द आश्रम दैट इफ यू वॉन्टेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, यू हैड टू बी इल एंड गेट इन टू बेड। इट वॉज ए जोक स्पेशली अमॉन्ग यंग पीपल इन द आश्रम। आश्रम के जो नौजवान लोग थे उनके बीच एक मजाक में एक बात कही जाती थी दैट इफ यू वॉन्टेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम, यदि कोई चाहता है, आप चाहते हैं गांधी जी को देखना और गांधी जी से बात करना और गांधी जी से चुटकुले सुनना, तो आपको बीमार होना होगा और बिस्तर में पड़ना होगा। अगर आप बीमार हैं तो गांधी जी आपसे प्रतिदिन मिलेंगे और कुछ न कुछ हंसी मजाक करेंगे। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, स्पेंड ए फ्यू मिनट एट एवरी बेड साइड। गांधी जी प्रतिदिन बीमार लोगों से मिलते थे और प्रत्येक बेड के पास कुछ मिनट गुजारते थे। हिमसेल्फ सॉट टू थिंक्स केयरफुल्ली एंड नेवर फेल टू क्रैक ए जोक और टू विद द पेशेंट। और प्रत्येक को खुद ही देखते थे, बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से देखते थे और एक दो चुटकुला सुनाने में भी कभी पीछे नहीं रहे।
मरीजों को एक दो चुटकुला सुनाने में भी कभी नहीं चुके। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन। कोई भी ऐसा दिन गांधी जी का इतना व्यस्त नहीं था कि गांधी जी ने मरीजों से मुलाकात न की हो। देयर वॉज वंस ए यंग लैड हु वेंट डाउन विथ डायसेंट्री। एक बार वहाँ पर एक नौजवान लड़का था जो पेचिस से ग्रसित था, मतलब उसे पेचिस मर्ज हो गया था, जिसमें पतला मल निकलता है पानी जैसा और बार बार निकलता है। He had done his best to accustom himself to ashram food, but failed. उसने काफ़ी प्रयास किया अपना, और ये प्रयास उसने किया कि वो आश्रम के भोजन के अनुसार अपने आप को ढाल ले, लेकिन वो इसमें असफल रहा। मतलब आश्रम में जो भोजन दिया जाता था उसको खाने के लिए या उस भोजन को पसंद करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। कॉफ़ी उसकी बहुत पसंद थी, मतलब कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बट इन आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉट वॉज कॉफ़ी अलाउड। लेकिन आश्रम में उसके लिए कॉफ़ी नहीं थी और ना ही आश्रम में कॉफ़ी अलाउड ही था, कॉफ़ी की अनुमति नहीं थी। इन गुड टाइम ही गॉट राइड ऑफ हिज डिसेंट्री एंड वॉज नाउ रिकवरी। और फिर अच्छे समय में, मतलब धीरे धीरे उसने रिकवर होना शुरू किया, स्वस्थ होना शुरू किया और पेचिस से उसका पीछा छूट गया। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड। और गांधी जी प्रतिदिन उस लड़के से भी मिलते थे जो उनकी रोज की आदत थी आश्रम में जाने की और देखने की। तो अपने रोज की आदत के अनुसार आश्रम जाते थे और उस लड़के से रोज मिलते थे। दोज फ्यू मिनट्स वेयर लाइक ए टॉनिक फॉर द पुअर लैड। वे कुछ मिनट उस बेचारे लड़के के लिए एक टॉनिक जैसा होता था। मतलब गांधी जी का मिलना काफ़ी फायदेमंद होता था उस लड़के के लिए। ही पेंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफी। वो लड़का काफ़ी एक अच्छी कॉफ़ी पीने की इच्छा रखता था। पाइंड मतलब होता है इच्छा करना। उस लड़के को एक अच्छी कॉफ़ी पीने की इच्छा थी। वन डे ही वर लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी। और एक दिन वो लड़का पीठ के बल लेटा हुआ था और कॉफ़ी का सपना देख रहा था, मतलब कल्पना कर रहा था कि कॉफ़ी मिले। तभी उसने गांधी जी के लकड़ी के सैंडल, मतलब खड़ाऊ के आने की आवाज़, वेलकम साउंड का मतलब है वो आवाज़ जिससे हर कोई सतर्क हो जाता था कि गांधी जी आ रहे हैं स्वागत वाले भंगिमा में। तो उस जो साउंड था, जो आवाज़ था खड़ाऊ सा, उसको उसने सुना। ए मिनट लेटर गांधी जी इंटर्ड विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड। एक मिनट बाद गांधी जी का प्रवेश हुआ और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और उत्साहित करने वाले शब्द थे, मतलब वो मुस्कुराते हुए और उत्साहित करते हुए उस रूम, उस कमरे में, उस कक्ष में आए जहाँ पे मरीज लेटे हुए थे। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड। उन्होंने उस लड़के को देखा और कहा, नाउ यू आर
डिसाइडली बेटर, तब तो तुम बेहतर हो रहे हो, निश्चित है तुम बेहतर हो रहे हो या हो चुके हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, और तुम निश्चित ही अपनी भूख को भी प्राप्त कर लिए होगे, मतलब जो तुम्हारे खाने की इच्छा हो थी वह भी जाग गई होगी, जो तुम खाना चाहते थे वह खाना की इच्छा अब जागृत हो चुकी होगी, क्योंकि तुम्हारी पेचिस समाप्त हो चुकी है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। सम गुड उपमा आर इडली, और पूछते ही उन्होंने एक जवाब भी दिया कि कुछ अच्छे उपमा और डोसा, इडली नहीं उपमा और डोसा, तो उन्होंने खुद ही पूछते हुए जवाब खुद ही दे दिया कि कुछ अच्छा उपमा, या फिर गांधी जी इवेंटली न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पर्सनैलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस। गांधी जी को लड़की की खास पसंद दक्षिण भारतीय दो पुराने और अच्छे व्यंजन उपमा और डोसा है, यह बात साफ तौर से पता थी। मतलब वो लड़का साउथ इंडियन व्यंजन डोसा और उपमा को खाना पसंद करता था, यह बात गांधी जी को साफ साफ तौर से पता थी। दक्षिण भारतीय लोगों को यह पसंदीदा भोजन है भी। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, उस नौजवान के दिमाग में अचानक एक विचार आया। ब्रेन वेव मतलब अचानक विचार गौंधना। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, ही ब्लर्ट आउट, वह अचानक ही बोल पड़ा। ब्लर्ट आउट मतलब बिना सोचे ही अचानक बोल पड़ना, क्या मैं एक कप कॉफी पा सकता हूँ। गांधी जी एंसर्ड विथ ए पील ऑफ लॉफ्टर, हंसी के ठहाका के साथ, पील ऑफ लॉफ्टर मतलब हंसी का ठहाका, तो हंसते हुए, खुलकर हंसते हुए गांधी जी ने जवाब दिया, ओ यू ओल्ड सिनर, ओ तुम पुराने पापी। हालांकि यह चीज मजाक में कहा गया। दैट इज व्हाट यू वांट, अब तुम यह चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड फेस ही एडेड, और फिर उस लड़के के चेहरे को देखते हुए आगे कहे, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफी। उसके आगे उन्होंने कहा कि तुमको निश्चित रूप से कप कॉफी मिलेगी। यस लाइट कॉफी विल सूथ योर स्टोमक, हाँ एक हल्की कॉफी तुम्हारे पेट को आराम देगी, सूथ मतलब आराम देना। एंड व्हाट विल यू हैव विथ द कॉफी, आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा आर डोसा, बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विथ कॉफी, और तुम कॉफी के साथ क्या पसंद करोगे। मैं नहीं समझता हूँ कि कॉफी के साथ उपमा या डोसा ठीक रहेगा, हाँ एक गर्म टोस्ट कॉफी के साथ अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू ए ट्रे, मैं एक ट्रे तुम्हारे लिए भेजता हूँ या भेजूंगा। विथ दैट एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड, गांधी जी लेफ्ट द रूम, और ऐसा कहते हुए गांधी जी ने दयालुता के शब्दों के साथ रूम को छोड़ दिया, रूम के बाहर चले गए। द लैड ले वेटिंग, ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, और वह लड़का इंतजार करते हुए पड़ा रहा या पड़े पड़े इंतजार करता रहा, लेकिन उसे अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफी इन साबरमती आश्रम एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, काफी वो भी साबरमती आश्रम में, और वो भी गांधी जी स्वयं ही उसको ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, यह बात उसको पच नहीं रही थी, और यही कहें कि उसको इतनी अच्छी लग रही थी कि अपने भाग्य पे उसे भरोसा नहीं हो रहा था। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम,
ए गुड वे अक्रॉस द रोड। गांधी जी का जो कुटिया थी वो आश्रम के दूसरे किनारे पर थी और एक अच्छा खासा सड़क पार करके वहाँ तक पहुँचते थे। द लैड कुड वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन, और वह लड़का अच्छी तरह से कल्पना कर पा रहा था, सोच पा रहा था कि क्या कुछ हो रहा होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट। गांधी जी कस्तूरबा के पास जाएंगे उनकी रसोई में और उनको कॉफ़ी और टोस्ट के लिए कहेंगे। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी का नाम था। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन यह जो समय है वह असमय है, मतलब यह जो समय है उचित समय नहीं है। द किचन वुड बी क्लोज्ड, और रसोई तो बंद ही होगी। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और बा इस समय आराम ले रही होंगी या आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉस्ट गांधी जी टू मच बोदरेशन, क्या वह गांधी जी को कुछ ज़्यादा ही पीड़ा दे चुका है, कष्ट दे चुका है काफ़ी की मांग करके, ऐसा सब सोच रहा था। सम 20 मिनट्स पास, लगभग 20 मिनट गुजर गए। हार्क व्हाट वॉज द साउंड, अब कुछ आवाज़ आती है और यह आवाज़ कैसी है। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल्स अगेन, और गांधी जी की जो खड़ाऊ था लकड़ी का उससे क्लिक क्लिक की आवाज़ फिर से आती है। हैड द काफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या काफ़ी निरस्त हो गया। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, और उसका दिल डूबने लगा। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विथ ए वाइट खादी नैपकिन, लेकिन अब तो यहाँ पे गांधी जी ही थे और जो एक ट्रे लिए हुए थे, और ये ट्रे सफ़ेद रंग की खादी के तौलिए से ढका हुआ था। द लैड वॉज डैश्ड, लड़का काफ़ी चकित रहा। व्हाट हैड रियली हैपेंड, वास्तव में यह क्या हुआ। गांधी जी खुद काफ़ी लेके आ गए। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे। नाउ हियर इज योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि लो तुम्हारा एक कॉफ़ी और टोस्ट है। एंड माइंड यू आई मेड द कॉफ़ी मायसेल्फ, और इस बात का ध्यान रहे कि यह कॉफ़ी मैंने खुद बनाया। Now, like a good South Indian, will you certify I can make good coffee? और अब एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह इस बात को प्रमाणित कर दो, या इस बात को प्रमाणित करो कि मैं एक अच्छा कॉफ़ी बनाने वाला व्यक्ति हूँ। But whispered the lad, अब वो लड़का फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन Why did you not ask someone else to bring this for me? आपने इसे मेरे लिए लाने के लिए किसी और को क्यों नहीं कहा। आप लड़का चकित था कि गांधी जी खुद लेके आ गए हैं। I am very sorry I put you to this trouble, मैंने आपको यह कष्ट दिया, इसका मुझे बेहद खेद है, लड़के ने कहा। Now now, said गांधी जी, do not ruin your coffee. गांधी ने कहा कि देखो काफ़ी को ख़राब मत करो। कोल्ड काफ़ी इज बैड काफ़ी, ठंडी काफ़ी ख़राब काफ़ी होती है, मतलब अभी गर्म है पी लो। यू सी बा वाज रेस्टिंग एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब, तुम देखते हो जानते हो कि जो बा हैं मेरी पत्नी हैं वह रेस्ट ले रही हैं, आराम कर रही हैं, और मुझे उनको विघ्न उनके आराम में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं हुई। And then he said suddenly, और उसके बाद उन्होंने अचानक ही कहा, Well, I shall leave you now. अच्छा मैं तुमको छोड़ूंगा, मतलब चलता हूँ। Someone will come for tray, कोई ट्रे के लिए आएगा, मतलब जब तुम चाय पी लोगे तो ट्रे ले जाने, काफ़ी पी लोगे तो ट्रे लेने के लिए कोई आएगा। With that of the went, उसके बाद वे चले गए।
काफी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट, काफी हल्की थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, शानदार थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वेयर नेक्टर, और उस लड़के ने उसको चुस्की ले के पिया कुछ इस तरह से जैसे यह अमृत हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वो काफी परेशान भी था। हिज माइंड्स आई सॉ गांधी जी ओपनिंग द किचन, लाइटिंग द स्टोव, मेकिंग द कॉफी एंड टोस्ट एंड कैरिंग इट टू हिम। वो अपनी दिमाग की आंखों से देख रहा था। माइंड्स आई मतलब दिमाग की आंखों से देखना, या दिमाग की आंखों से देखा मतलब सोचा कि गांधी जी रसोई का दरवाजा, रसोई खोल रहे हैं और स्टोव जला रहे हैं और काफ़ी टोस्ट उसके लिए बना रहे हैं और साथ ही साथ काफ़ी टोस्ट को लेके आ भी रहे हैं। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आवर, और ऐसा यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो एक असमय पर किसी को परेशान करना नहीं चाहते। ही वॉज ओवरवेल्ड, वह बिल्कुल आच्छादित था, मतलब भाव